आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हमारे किचन में बन रहा है अरहर का दाल, उसका सब्जी। बहुत लोग ने नहीं खाया होगा, नहीं बनाया होगा, तो इसलिए हम आज सोचे हैं कि अरहर का दाल का सब्जी, अरहर जो हम लोग खाते हैं उसका सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग को रेसिपी डालेंगे इस ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा और खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग भी बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है ये सब्जी। तो आज चार बनाने, तो यहाँ उसके लिए चार प्याज लिए हैं, बड़ा बड़ा था प्याज, और ये लहसुन जिसमें दाल में पीसेंगे भी और मसाला में, और दो टमाटर, धनिया पत्ता और सारा सामान है जो आप लोग को दिखा रहा है डालने वाला। तो चलिए किचन में लेके चलते हैं आप लोग को। सो गाइस, यहाँ पे मसाला के रेडी कर रहे हैं। तो पहले इसमें डालेंगे लहसुन, तो यहाँ इतना लहसुन डाल रहे हैं इसमें, और ये मिर्चा है 5 ठो, और इसमें जीरा मिर्च डालेंगे, यहाँ जीरा मिर्च डाल रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ धनिया डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, एक इलायची, थोड़ा सा ये, और लवण, और थोड़ा सा ये सब मसाला, और इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे प्याज, प्याज डाल दिए, प्याज से थोड़ा मसाला ज़्यादा हो जाता है और पिसा भी जाता है सही से, इस तो नहीं पिसा पाएगा, डाल दिए, और अब यहाँ मसाला पिसा जाएगा। अरहर का दाल हम लोग खाते हैं, वही दाल है, इसको भिगो दिए हैं, रात को फुलाए थे, और इसमें हम ये डालेंगे, यहाँ पे 5 ठो इसमें मिर्चा डाल रहे हैं, और इतना लहसुन डालेंगे, इसमें लहसुन डाल देंगे इतना सा यहाँ पे, और थोड़ा सा गोल मिर्च और थोड़ा सा जीरा इसमें डालेंगे, इसके साथ पीसा जाएगा, बस इतना। इसको भी मिक्सी में पीसना है और इसको भी पीस लेंगे मसाला को, मसाला पहले पीस लेते हैं तब उसमें इसको पीस लेंगे। यहाँ मसाला पिसा गया, पिसा के रेडी हो गया है, अब इसको खाली कर दे रहा हूँ। आला भी मेरे पास है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसी में इसको पीस लेंगे। ये हो गया है, और ज़्यादा बारीक नहीं करना है, तब दर्दा ही करना है इसको, ज़्यादा नहीं करेंगे तो सही नहीं होगा। राउंड और यहाँ पीसा जाए, ये 2.5 ग्राम दाल है, क्योंकि 4 ग्राम को आराम से हो जाएगा खाने में। तो इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, पीसा जाए, इसको स्वाद अनुसार नमक इसमें डालेंगे, थोड़ा सा कम ही रहेगा, मतलब इसके लायक हो जाए, और यहाँ हल्दी डालेंगे इसमें, और ये थोड़ा सा पानी डालने की वजह से थोड़ा लूज हो गया है, अगर सील पे पीस के बनता तो थोड़ा भी नहीं होता। तो अगर लगे कि ये ढीला है तो इसको क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा बेसन डालना है, यहाँ से हम बेसन डाल रहे हैं,
यहाँ बेसन है, ये काढ़ा हो गया है थोड़ा, और इसको ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के अभी करेंगे इसको, तो आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, उस पर ये जाली है, और इस जाली पे थोड़ा सा तेल घोसेंगे। लंबा लंबा रखाएगा, आसानी से हो जाता है ये। पांच पीस रख दिए और इसको हम रख देंगे आराम से। और थोड़ा सा बचा है तो दो ये भी हो जाएगा। ये हो गया है, 10 से 15 मिनट तक रखे थे, यहाँ देखिए ये सब फट गया है और अच्छे से हो गया है। यहाँ हाथ में भी नहीं लग रहा है, डाल दिए इसको, देखिए ऐसे हो गया है सब। आप लोग भी बनाइएगा गाइस, हम आप लोग के लिए ही बना रहे हैं कि बहुत टेस्टी भी होता है, और जो लोग नहीं खाए हैं इसको एक बार ज़रूर टेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मेरे पास फिर बच गया है तो उसको लगा के रख दें। यहाँ पे है थोड़ा सा, और ये पानी थोड़ा सा डाल के पीसे थे इसलिए थोड़ा लूज हुआ है। इसमें बेसन थोड़ा हल्का डाल दिए हैं, ये इसको थोड़ा टाइट कर देगा, तो इसी तरह ये बनता है। अब इसको यहाँ रख देते हैं, उसके भाप से घुल जाएगा। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तो हम लोग तो सरसों तेल ही खाते हैं, आप लोग रिफाइंड खाते होंगे या जो खाते होंगे जो तेल में, उसमें आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगेगा, इसको फ्राई भी करना है। हम इसको ऐसे पीस काटेंगे यहाँ से, थोड़ा ठंडा हो जाए तभी काटिए, ज़्यादा गर्मी है इसके वजह से जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीस काट देंगे ऐसे, तो कटा जाएगा पीस। और ये ढाई सौ ग्राम था जिसमें ये एकदम आराम से 5-6 जन का हो जाएगा खाना, तो ऐसे बनता है। आप लोग कैसे बनाते हैं, जो बनाते होंगे वो जरूर आपको कमेंट कीजिएगा कि ये सब अंदर तक हो गया है, थोड़ा भी नहीं लूज है, तो इससे अच्छा होता है। और कढ़ाई में तेल यहाँ डाले हैं गर्म होने के लिए, तब तक गर्म हो रहा है तेल, तो देखते हैं अब मसाला फोरन के लिए सब रेडी करेंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे ये रहर का दाल का बना रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा और आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। और यहाँ तेल को गर्म होने के लिए डाले हैं,
रख लिया है और अब इसमें हम डालेंगे एक एक करके, यहाँ करके इसको डाल देंगे इसमें फ्राई करने के लिए। ये हो रहा है और थोड़ा थोड़ा ये अच्छे से हो जाए, ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तो ये निकला जाएगा। ये चना का दाल का भी बनता है, रहर का भी बनता है और मसूरी का दाल का भी बनता है, इसको कितने लोग कतरा कहते हैं, कतरा का सब्जी। ये सब ट्राई हो जाएगा। इस समय सावन चल रहा है तो कोई खाना नहीं चाह रहा है, वो सब नहीं खाता है, इसलिए थोड़ा अच्छे अच्छे सब्जी बना के खाना चाहिए। तो यहाँ सब एक एक करके इसको डालेंगे। ये चना के दाल का बॉयल किए हुए थे और इसको हम बॉयल करके कतरा करके और इसको सब्जी बना रहे हैं तो बहुत टेस्टी होता है। ये रहर का दाल है, सॉरी चना नहीं है, तो आप लोग भी बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और काटने के बाद देखिए ऐसा हुआ है, ये फ्राई किए हैं तो आप लोग फ्राई करके बना सकते हैं और बहुत टेस्टी होता है। इसके लिए हम यहाँ पे प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, तेजपत्ता और जीरा मिर्च और गरम मसाला का फ़ौरन डालेंगे उसमें। तो आप लोग को देखने के लिए पूरा विधि मिलेगा, मेरा चैनल है उस पर आप लोग जाके जल्दी सर्च कीजिए, प्रिंस राज एंड मॉम की जोड़ी, वहाँ आप लोग सर्च कीजिए और जल्दी से आप लोग भी बना के खाइए। हमको बहुत अच्छा लगता है, कोई कोई कमेंट करता है कि आंटी जी हम बनाए हैं, खाए हैं, हमको अच्छा लगा है, तो हमको भी खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे लोग बना के खाते हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइए, बनाइए, खाइए। तो गाइस यहाँ पे डाल रहे हैं तेजपत्ता और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हींग, यहाँ हींग डाल रहा है एक चुटकी, और अब डालेंगे इसमें जीरा मिर्च, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, यहाँ गरम मसाला, दो मिर्च डालेंगे, अब डालेंगे इसमें प्याज, लाल भुना गया तो इसमें पहले डालेंगे नमक, ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि पहले इसमें डला चुका है नमक, तो ग्रेवी जितना आप डालेंगे उसके हिसाब से इसको डालेंगे इसमें नमक, और डालेंगे हल्दी, ये मसाला पीस के पहले का रखे हैं जो आप लोग देखे थे मसाला है, ये जीरा मिर्च, गरम मसाला, लहसुन और प्याज थोड़ा सा इसमें एक साथ भुनाए देंगे। आराम से भुनाते रह जाइए। चलो यहाँ पर मसाला भुना रहा है आराम से, टमाटर काट रहा है, इसमें डालना है 200 टमाटर, टमाटर तो आसमान छू गया है,
लेकिन डालना पड़ता है कोई कोई सब्जी में, ज़्यादा पैसा लगा के बना लो और टमाटर ना डालो तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए टमाटर का थोड़ा डालना चाहिए, इससे इसका ग्रेवी भी थोड़ा बढ़ता है। और यहाँ डाले में धनिया पत्ता मसाला के साथ भुना जाए, मसाला भुना गया है, अब इसमें इसको डालेंगे थोड़ी देर के लिए और इसको भुनेंगे। हम तो इसको मिला देंगे पहले, इस तरह की कुछ हम लोग खा सकते हैं, नॉन ग्रेवी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। पाँच मिनट तक इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसमें, उसके बाद ग्रेवी डालेंगे इसको। यहाँ पे ये भुना गया है थोड़ा सा और अब इसमें डालेंगे ग्रेवी, पानी डाल देंगे। इतना पर उतारेंगे इसको, थोड़ा और पानी डाल देंगे अच्छे से, दबकेगा दो चार दबकेगा बस हो जाएगा ये। ये मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है और ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है इसमें, तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखे हैं, जिसको ज़्यादा ग्रेवी खाना रहता है वो डाल भी सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा कम ही डाले हैं और थोड़ा ये सूखता भी है पानी इसमें, तो आप लोग बनाइएगा और खाइएगा। तो ये रेसिपी कैसा लगा और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि मेरे हाथ का ये सब्जी, कतरा का सब्जी बोलते हैं इसको, कैसा लगा, और अपने सास ससुर का बना के खिलाइए, अपने माँ बाप को बना के खिलाइए, अपने हस्बैंड को खिलाइए। तो इंसान क्या है कि किसी का दिल में रास्ता बनाता है प्यार का, तो पहले खाना से शुरू करता है। अगर खाना टेस्टी बनने लगा और चाय अच्छा बनने लगा, खाना बनने लगा, तो आदमी को उस बेटी को या बहू को लोग सर पर बैठा लेता है, इसलिए कि खाना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आदमी समय से खाना नहीं खाएगा तो ये पार्ट पुर्जा शरीर का चलेगा नहीं, चलते चलते एक दिन रुक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब देखते हुए, मन सावन चल रहा है इस समय, तो उसके वजह से कुछ अच्छा अच्छा सब्जी बनाइए और खाइए। पनीर और मशरूम ये सब तो हमेशा खाते हैं हम लोग, ये सब चीज़ होता है कि बना के खाने के लिए, तो कभी कभी बना के खाना चाहिए। तो चलिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग, खूब शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा उस ब्लॉग पे, इसलिए उस चैनल पे हम ज़्यादा वीडियो बना कर अभी नहीं डाल रहे हैं, गर्मी काफ़ी है इसके वजह से अभी कम जा रहा है, लेकिन जब हम बनाने लगेंगे उस पे तो कंटिन्यू आपके लिए कुछ बना के डालेंगे वीडियो, तो आप लोग खूब प्यार दीजिएगा। तो चलिए बाय। अब इसको खाली कर दे रहा हूँ, कुछ कितना सही है ना, हो गया है सब्जी और अब हम इसमें खाली कर देंगे। यहाँ पे हो गया सब्जी।